जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम जीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रेल। हमारा जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए स्टिल ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं या नहीं, तो हम आज की वीडियो के अंदर प्रूवन मेथड के साथ शेयर करेंगे डिफरेंट कीवर्ड और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ओपन करके। आज की इस वीडियो के अंदर हम ebay.com को टारगेट कर रहे हैं, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसको यूके के लिए टारगेट करेंगे। अगर हम इसको देखें तो ये वाला पाकिस्तानी सेलर है, पाकिस्तानी सेलर है, 4 वाचर अवेलेबल हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे आते जाएं, 36 वाचर अवेलेबल है, इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ आइटम सोल्ड की होंगी। उसके बाद नीचे आते जाएं तो ये वाला एक सेलर है जो कि 14 यूनिट इन्होंने सोल्ड कर दी हैं और इतने में सोल्ड कर दी हैं, और ऑलमोस्ट कौन लास्ट यूनिट इसका भी अवेलेबल है। अगर हम होम के ऊपर जाएं तो ये वाली आइटम्स हमने ओपन कर ली और देखा कि इस प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट पाकिस्तान से बहुत से सेलर जो हैं वो अवेलेबल हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला अकाउंट पाकिस्तानी है या नहीं? तो आपको फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान की लोकेशन है, पियोनियर के साथ बना हुआ है। तो अगर हम देखें फ्रॉम पाकिस्तान, पहले पेज के ऊपर 60 लिस्टिंग जो है ईबे शो करता है, और 60 की 60 लिस्टिंग जो है वो पाकिस्तान से बनी हुई है। डिफरेंट किस्म के अकाउंट हैं, डिफरेंट सेलर डिफरेंट प्राइसेस के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और आपका कोई भी इशू है वो आप मेरे साथ पर्सनली शेयर करना चाहते हैं, तो मैं आपको फाइवर की गिग का लिंक देता हूं, आप जो है वो पर्सनली मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग करके जो जो आपको इश्यूज आ रहे होते हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल हैं डिफरेंट टाइम के साथ। अगर हम अपनी ईमेल के ऊपर जाएं तो डेली बेस के ऊपर कोई 10 से 12 जो क्यूरीज हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। अभी तक हमने 2000+ जो क्यूरीज हैं उनको हमने रिस्पोंड कर दिया है। तो आप अपना हर तरह का जो इशू है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपनी फाइवर की जो गिग है इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा जो सेकंड कीवर्ड है, हमने गेम्स एंड टॉयज के ऊपर सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद ये सारे पाकिस्तानी सेलर्स, इस कीवर्ड के अगेंस्ट भी सारे पाकिस्तानी सेलर हमें शो हो रहे हैं। अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो ये वाले सारे पाकिस्तानी सेलर हैं जिनकी आइटम लोकेशन भी पाकिस्तान है। अब मेरे माइंड में जस्ट 2 कीवर्ड आए हैं, और 2 कीवर्ड के अगेंस्ट हमें 60 और 60 120 लिस्टिंग मिल गई जो कि पाकिस्तानी, उनकी आइटम लोकेशन है और पाकिस्तान से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अब पाकिस्तान से वो आइटम को तो नहीं ना भेजेंगे डायरेक्टली यूके या यूएसए, तो ऑब्वियसली वो ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हैं। एक चीज़ ये, कुछ लोग ये कहते हैं कि अब ईबे जो है वो पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं होता, तो ये आपके सामने कैसे से ले रहे हैं? मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो 69 फीडबैक, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फीडबैक है। इवन किसने चीज़ें सेल की होंगी तो इसको फीडबैक आए होंगे ना। तो हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। हमने एक फिल्टर लगा दिया कि मैं उन्हीं सेलर को स्पाई करूंगा जो लास्ट 24 आवर के अंदर या उसने कोई एक आध आइटम जो है वो सोल्ड कर दी होगी। शो ओनली आपको ऑप्शन मिलेगा कंप्लीटेड लिस्टिंग का और सोल्ड आइटम्स का। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद पता चला, अच्छा ये वाली आइटम भी सोल्ड हो चुकी है, 0 फीडबैक अवेलेबल है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये वाले जो सेलर दिखा रहे हैं ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ है, क्योंकि हमारा कोई पेड कोर्सेज तो है नहीं। हम आपको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट और अथेंटिक नॉलेज के साथ गाइड करेंगे ताकि आपका ऑनलाइन इनकम का जो फेज़ है वो स्टार्ट हो चुके। तो एक ये वाला सेलर है, इसको ओपन कर लेते हैं। इनमें से काफ़ी लोगों ने एंड भी कर दी होंगी लिस्टें। मज़ीद थोड़ा सा नीचे आते जाएँ, ये वाली आइटम है जिसके ऊपर क्रॉस आपको लगा शो हो जाए, इसका मतलब ये वाली आइटम्स एंड हो चुकी है, ठीक है जी। तो इस सेलर को आपने किस तरह से स्पाई करना है तो इसको भी हम देखेंगे। फिलहाल हम इसका जो यूआरएल है उसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आए तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं, और मज़ीद थोड़ा सा नीचे आए, -1, इसका मतलब इस सेलर को नेगेटिव फीडबैक मिला है। एक ही फीडबैक दिया है वो भी नेगेटिव। हम इसको भी ओपन कर लेते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पज़। थोड़ा सा नीचे आते जाएं, इसको भी ओपन कर लेते हैं ताकि एक छोटी सी मोटिवेशन आपको भी और मुझे भी मिल सके कि भाई हिम्मत नहीं हारनी, हम स्टिल अभी ईबे के ऊपर जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। पहले वाले को ओपन कर लेते हैं, और ये वाली एंड लिस्टिंग हो चुकी है। अब ये एंड क्यों हुई है, होता यूँ है समटाइम आपके अकाउंट के सेलिंग लिमिट बहुत कम होती है। सेलिंग लिमिट कम होने से जो भी यूनिट आपका सोल्ड हो जाता है तो वो एंड हो जाता है। आपने एक छोटी सी सेटिंग करनी होती है ताकि आपकी लिस्टिंग ऑटोमेटिकली रीन्यू हो जाए सोल्ड होने के बाद। काफ़ी मेंबर को उसका आइडिया नहीं है, हम आपको वो भी बताएंगे कि आपने उसकी सेटिंग किस तरह से करनी है। नेक्स्ट की बात करें,
ये वाला एक सेलर है, माशाल्लाह पाकिस्तानी बेस सेलर है। 3 फीडबैक अवेलेबल हैं और 5 यूनिट इन्होंने इधर सोल्ड कर दिए हैं। अब ये कहाँ से सोर्स कर रहा है, स्टॉक आइटम सेल कर रहा है या अपनी आइटम सेल कर रहा है या ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। ये वाली लिस्टिंग भी एंड हो चुकी है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ये वाला एक सेलर है और इसने 1 यूनिट सोल्ड कर दिया है। अगले की बात करें, ये भी एंड हो चुकी है और ये भी एंड हो चुकी है। हमारा इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जिनकी लिस्टिंग एंड हो जाती है हमारे सामने, वो सेलर ओपन नहीं होता, तो हम उनको किस तरह से स्पाई करें ताकि हमें थोड़ी सी ना प्रोडक्ट का नॉलेज हो सके, ताकि हम उनके मुताबिक लिस्टिंग कर सकें। तो एक छोटा सा मेथड है, सबको पता होगा, हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई सेलर है, ये वाला सेलर है जिसको हमने ओपन किया और इसने एंड कर दी है लिस्टिंग। तो आपने इसके इसके जो यूजर नेम है उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा ईबे के ऊपर आना है। ebay.com आपने लिखना है /USR, USR मीन यूजर, और उसके बाद आपने उसी सेलर का जो यूजर नेम कॉपी किया होगा वो आपने पेस्ट कर देना है। तो इसकी जो शॉप है वो हमारे सामने ओपन हो चुकी है और इसने अभी तक इतने यूनिट सोल्ड कर दी हैं, इतने फॉलोअर्स अवेलेबल हैं, इसकी सारी आइटम्स आपके सामने ओपन हो चुकी है। ये हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, मुझे लगता है ये यूज्ड आइटम बेच रहा है। तो आपने इस तरह की हार्ड सेलिंग जो आइटम है उसको हंट किस तरह से करना है। वट एवर आपका सोर्स अमेजोन है, सीजे ड्रॉप शिपिंग है, एली एक्सप्रेस है या गो ड्रॉप शिप है, सिंपल मेथड है। आपने आना है अमेजोन के अकाउंट के ऊपर और आपको ऑप्शन मिलेगा बेस्ट सेलर का। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और आपको सारी इनकी जो हार्ड सेलिंग आइटम्स हैं वो देखने को मिलेगी। सेकंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आपकी जो भी फेवरेट कैटेगरीज है। हम आपको 2-3 रिकमेंड कर देते हैं जिसमें ना तो आपको VERO का इशू आएगा, ना ही आपकी सेल स्लो होगी। एक है गेम्स एंड टॉयज का, उसके बाद आप जो है पेट सप्लाइज के अंदर चले जाएं। इसके अलावा अगर आप सीजे ड्रॉप शिपिंग टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि हमने इसके ऊपर एक मुकम्मल जो प्लेलिस्ट है जो कि इन प्रोसेस है हमने बना दी है। आप इसको देख के एक हार्ड सेलिंग जो आइटम है विद इन अ मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट के अंदर अंदर आप 10 से 12 हार्ड सेलिंग आइटम जो है वो आप हंट कर सकते हैं। उसके अलावा एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हमने बना दी है जिसके ऊपर हमने आपको बताया है कि आपने ऑन बाय से, एटसी से, अली एक्सप्रेस से, गो ड्रॉप शिप से किस तरह से आइटम को हंट करके अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट करना है। तो अगर आप अमेजोन से ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस टाइम मैंने कोई जो पेट सप्लाइज की कैटेगरीज है या जो भी आपकी फेवरेट कैटेगरीज है उसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपने एक काम करना है, आपने एक एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है जो आपको बताएगी कि ये इसके ऊपर आपको ड्रॉप शिपिंग अलो है या नहीं है, अमेजोन क्विक डीएस व्यूज। अगर हम नीचे आए तो ये आपको बता रहा है कि इसके सप्लायर अमेजोन है और इसके जो सप्लायर हैं वो कोई थर्ड पार्टी सेल कर रहा है या मर्चेंट खुद इस आइटम को सेल कर रहा है। इसके ऊपर 4 FBA सेलर अवेलेबल हैं, 6 FBA सेलर अवेलेबल हैं। अगर हम इसकी बात करें, हमने इस वाली आइटम्स को ओपन कर लिया, ये वाली हमने आइटम्स ओपन कर ली, बहुत हार्ड सेलिंग आइटम्स हैं और पैकेजिंग का हमें टेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला सेलर खुद ही इस आइटम को पिक एंड पैक करके डायरेक्ट कस्टमर तक डिलीवर करेगा। बहुत फास्ट डिलीवरी अवेलेबल है। इसका थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो इतने जो ड्रॉप शिपर हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के अंदर सेल कर रहे हैं। अब आप इसको क्या काम करो, 22 की ये मिल रही है, नंबर 1 सेलर है, आप इसको ईबे के ऊपर 29 की लिस्ट कर दो और इसके अंदर आपको जो भी $3-4 प्रॉफिट होगा आप उसको निकालो। जैसे ही आपको ऑर्डर आ जाता है दोबारा इसी आप जो है सेलर के ऊपर आओ, ऐड टू कार्ट करो और आप अपने ऑर्डर को फुलफिल कर दो अपना प्रॉफिट रखने के बाद। लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए आपने कोई भी टूल्स जो है उसको सिंक्रोनाइज नहीं करना। तो आपने अपने टाइटल को 80 करेक्टर्स के मुताबिक अपने उसको ऑप्टिमाइज कर लेना है और आपने ईबे के ऊपर आना है और आपने इसको सर्च कर लेना है। लिस्टिंग का कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप एक क्लिक्स के अंदर लिस्टिंग को लाइव कर लें, क्योंकि टूल्स आपका नया अकाउंट होगा तो आप टूल्स जो है उसको भी सिंक्रोनाइज ना करें ईबे के साथ। इसी तरह आपने सारे जो इमेजेस हैं उनको भी आपने डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो ये इसकी सारी जो डिस्क्रिप्शन है आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको डज नॉट मैच और उसके बाद आपने न्यू इसके ऊपर क्लिक करना है और इमेजेस की जगह पे इमेजेस और डिस्क्रिप्शन की जगह के ऊपर डिस्क्रिप्शन हमने ऐड कर दी और जो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं सारी हमने ईबे के मुताबिक इसको ऑप्टिमाइज़ कर लिया ताकि आपको एक ऑर्गेनिकली बूस्ट मिले। प्राइस की अगर हम बात करें कि ये वाले जो आइटम है अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारे इसके जो ड्रॉप शिपर हैं डिफरेंट प्राइसेस के अंदर
उन्होंने लिस्ट की हुई वो देखने को मिलेगी। 31 की भी जा रही है, 32 तक जा रही है, तो 22 की आपको मिल रही है। तो आप इसकी जो प्राइस है वो आप इसको रख दें, आप 27 रख दें स्टार्ट में, ताकि आपको कुछ हल्की फुल्की सेल आने के चांसेस हो जाएं। जैसे ही आपको अच्छी सेल आना स्टार्ट हो जाए तो आप इसको जो है वो ग्रेजुअली बढ़ा भी सकते हैं। प्रमोशन का अगर हम थोड़ा सा बात करें, ये हम आपको फोर्सली कहते हैं कि ये तो लाजमी लगानी है, इसके अलावा सेल नहीं आएगी, क्योंकि इसको लगाएंगे तो आपको ना आपकी लिस्टिंग किसी न किसी पेज के ऊपर रैंक करने के चांसेस हैं। तो हमारी हर लिस्टिंग के ऊपर 5% लाजमी लगी होती है, तो आप इधर 5% लाजमी लगाया करें प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद। ये भी हम कहते हैं कैसा ही नहीं, आपने आंखें बंद करके लगा देनी। तो जैसे ही आप लगाएंगे तो आपने इसको लिस्ट डिस्प्ले फीस करेंगे, तो आपकी ये वाले जो लिस्टिंग है वो लाइव हो जाएगी। ऑर्डर आने के बाद आपने इसका ये जो EAN है या SN इसको हम कहते हैं, आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने पास सेव कर लेना है। जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा गूगल शीट के ऊपर गए, इसी जो आपके पास SN होगा पेस्ट किया आपने अमेजोन के सर्च बार के अंदर, और आपने इस आइटम को एड टू कार्ड करके अपने ऑर्डर को फुलफिल कर लेना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग ईबे ड्रॉप शिपिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।